आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत, रखिए आपको सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत, मैं हूं आपके साथ अंजलि। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। आजमगढ़ जनपद में नवरात्रि के पर्व को सकुशल संपन्न कराने को लेकर पुलिस प्रशासन लगातार प्रयासरत है। इसी क्रम में बुधवार की शाम को आजमगढ़ के डीएम नवनीत सिंह चहल व एसपी हेमराज मीणा के नेतृत्व में पुलिस फोर्स ने नगर क्षेत्र में विभिन्न इलाकों में रूट मार्च किया। इस दौरान शहर कोतवाली से निकलकर बड़ा देव, मातवरगंज, मुख्य चौक, पुरानी कोतवाली, तकिया, पहाड़पुर समेत अन्य इलाकों में अधिकारियों के नेतृत्व में पुलिस फोर्स ने लोगों को सुरक्षा का एहसास दिलाया। वहीं डीएम ने बताया कि नवरात्रि व आगामी विजयदशमी के पर्व को सकुशल संपन्न कराने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ी जा रही है। इसके अलावा प्रतिमाओं के विसर्जन को लेकर गाइडलाइन के अनुसार तालाबों को तैयार किया जा रहा है, विसर्जन यात्रा के रास्ते को दुरुस्त किया जा रहा है। आज रूट मार्च निकाला गया, इस दौरान विभिन्न पंडालों पर भी पहुंचकर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया गया है। वहीं एसपी हेमराज मीणा ने बताया कि नगर क्षेत्र के अलावा सभी थाना क्षेत्र में भी फ्लैग मार्च किया गया है और यह संदेश दिया गया कि कानून व्यवस्था से कोई भी खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लोगों से सहयोग की अपील की जा रही है। मूर्ति पंडालों पर सुरक्षा व्यवस्था के पूरे बंदोबस्त किए गए हैं। इसके अलावा विसर्जन स्थल से लेकर जुलूस तक के रास्ते तक सुरक्षा व्यवस्था को बंदोबस्त रहेंगे। वहीं सोशल मीडिया पर भी निगरानी रखी जा रही, किसी की धार्मिक भावनाओं को आहत करने के प्रयास पर मुकदमा दर्ज किया जा रहा है और यह और कड़ाई से किया जाएगा। वहीं मीडिया से बातचीत के दौरान डीएम एसपी ने क्या कहा, आइए सुनते हैं उनकी जुबानी। संवाददाता अशोक चौहान की खास रिपोर्ट। आगामी त्योहारों के दृष्टिगत नवरात्रे चल ही रहे हैं, उसके बाद आगामी दशहरा, दिवाली इत्यादि जो विभिन्न त्योहारों का सीजन है, उसके दृष्टिगत जो हमारा यहाँ का बाजार का क्षेत्र है, वहाँ पर हमारे द्वारा एसएसपी साहब के द्वारा सीनियर पुलिस ऑफिसर्स, प्रशासनिक अधिकारी और पुलिस बल के साथ यहाँ फुट पेट्रोलिंग की गई और इस दौरान यहाँ पर लोगों को ये जरूर आश्वस्त किया गया कि हर प्रकार की जो सुरक्षा के दृष्टिगत कार्रवाई या आवश्यक जो कार्रवाई की जानी है वो हमारे द्वारा की जा रही है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से एक फुट पेट्रोलिंग यहाँ पर की गई एंड इस दौरान जो हमारे यहाँ के आवश्यक जो सभी लोग हैं उनको आगामी त्योहारों की शुभकामनाएं भी हमारे द्वारा दी गई। किया गया है पंडालों में? जी हाँ, सभी जो पंडाल हैं वो पारंपरिक रूप से रहे। इसके साथ साथ जो विभिन्न समितियां हैं उनके साथ बैठक भी वृहद तौर पर तहसील, थाने और जनपद स्तर पर हमारे और एसएसपी साहब के द्वारा की गई है। इसके अतिरिक्त जो विसर्जन किया जाना है वो विसर्जन भी जिन क्षेत्रों में, जिन तालाबों में किया जाएगा, वहाँ पर आवागमन के लिए मार्ग की व्यवस्था, लाइट्स की व्यवस्था, साफ सफाई की व्यवस्था, उसके लिए संबंधित विभागीय अधिकारियों को भी जानकारी दी गई है। दुर्गा समितियाँ जो है, पंडाल की जो समितियाँ हैं, उन्हें भी शांति व्यवस्था कायम करने में, साफ सफाई मेंटेन करने के लिए वॉलंटियर्स को अपनी तरफ से भी लगाए जाने के भी दिशा निर्देश दिए गए हैं। तो आज उस रूट से भी गए जहाँ पर विभिन्न स्थानों पर दुर्गा प्रतिमाओं की भी स्थापना की गई है और साथ ही साथ ओवरऑल जो व्यापारिक एक तरीके से हमारा फोकल पॉइंट है शहर का, इस एरिया से रूट मार्च किया गया। थाना कोतवाली क्षेत्र में जिलाधिकारी महोदय के साथ में, बाकी हमारे अन्य पुलिस अधिकारी हैं उनके साथ में, पूरे पुलिस बल के साथ में आज फ्लैग मार्च यहाँ पे किया गया है। विशेष तौर से इसमें जहाँ पे पंडाल बनाए गए, मूर्तियों के पंडाल बनाए गए और हमारा जो सबसे महत्वपूर्ण जो मार्केट एरिया है वहाँ पे आज हम लोगों ने फुट पेट्रोलिंग भी किया है और फ्लैग मार्च के तौर पर इसको किया है। और इसी के साथ साथ जनपद के सभी थानों में आज सब जगह फ्लैग मार्च किया गया है और इससे ये संदेश देने का प्रयास किया गया है कि जो भी आगामी तीज त्यौहार है उन सभी को लोग शांतिपूर्ण तरीके से माहौल संपन्न कराएं, कोई भी व्यक्ति इसमें किसी प्रकार का व्यवधान ना डाले, कानून व्यवस्था की जो स्थिति है उसको प्रभावित ना करें और साथ ही साथ जो आपराधिक घटनाएं होती है उसको भी, चूँकि मार्केट एरिया में लोग खरीदारी के लिए आते हैं तो उसको भी मद्देनजर यहाँ देखा गया है कि जितने भी मार्केट एरिया है वहाँ पे पुलिस बल की जो उपस्थिति है वो कैसी रहती है और जो पंडाल वगैरह जो बनाए गए हैं वो शासन के निर्देश के क्रम में रोड से हटके बनाए गए कि नहीं बनाए गए हैं। इसके अलावा जो जुलूस का मार्ग है उसका भी हम लोगों ने आज भ्रमण करके देखा है कि जहाँ मूर्तियों का जो विसर्जन के लिए जो जुलूस निकलेगा तो वहाँ पर किसी प्रकार की कोई दिक्कत तो नहीं है, रोड खराब तो नहीं है या कोई ऊपर तार तो ढीले नहीं है, इन सभी चीज़ों को देखा गया है और ये लगातार आगामी जो त्यौहार है जब तक संपन्न नहीं हो जाएंगे हम लोग लगातार भ्रमणशील रहेंगे और इस तरह की जो कार्रवाई है वो करते रहेंगे जिससे कि सभी त्यौहारों को पूरी तरीके से शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न कराया जा सके। और आपके माध्यम से मैं सबसे ये भी कहना चाहूँगा कि किसी प्रकार की कोई दिक्कत होती है तो पुलिस प्रशासन का सहयोग लें, किसी भी तरीके से कोई भी व्यक्ति यदि कानून व्यवस्था को प्रभावित करने का प्रयास करेगा उन सबके विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी और इसके लिए हम लोगों ने सभी लोगों से वार्ता भी की है, सभी स्टेक होल्डर सब के साथ वार्ता की है और ये उनको बताया है कि भाई कहीं पे भी कोई दिक्कत होती है तो पुलिस प्रशासन की मदद लें, कहीं पे भी कोई बात होती है तो उसको अवगत कराएं
लेकिन कोई भी व्यक्ति कानून व्यवस्था को प्रभावित ना करे। यदि इस तरह की कोई चीज होती है तो उसके खिलाफ फिर सख्ती से धर्म गुरु अलग सबसे व्यापारियों से वार्ता की गई है। बाकी जो सभी धर्मों के जो धर्म गुरु हैं उनसे भी मुलाकात करके उनके भी कोई अगर कोई समस्या है उनको जानने का प्रयास किया गया है। तो हमारा यही प्रयास है कि जनपद में किसी भी तरीके से शांति और जो माहौल है उसमें कोई खलल ना पड़े और कानून व्यवस्था अक्षम बने रहे। सर सोशल मीडिया बारे में भी सबको बताया गया, बाकी हमारी जो सोशल मीडिया की जो टीम है वो लगातार मॉनिटर कर रही है और जितने भी जो वॉलंटियर्स ग्रुप बने हुए हैं थाना स्तर पर उनको भी एक्टिवेट किया गया है और थाना स्तर से भी हम लोग देख रहे हैं कि जो भी सोशल मीडिया पर अगर कोई गलत पोस्ट करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है, मुकदमा लिखा जा रहा है। और आपके माध्यम से ये भी हम बताने का प्रयास कर रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति सोशल मीडिया पर यदि कोई भी ऐसा पोस्ट करता है जो किसी धर्म विशेष या संप्रदाय विशेष या कोई जाति विशेष को एक तरीके से उसको ठेस पहुंचाता है तो ऐसे लोगों के खिलाफ फिर कार्रवाई भी होती है। और उसमें चूंकि इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस होते हैं यदि कोई व्यक्ति इस तरह की चेष्टा करता है तो फिर उसके खिलाफ कार्रवाई होगी और फिर उसको निश्चित तौर पर सजा भी मिलेगी। जाने हेतु अपना सहयोग प्रदान करें। यदि कोई भी व्यक्ति कानून व्यवस्था के साथ किसी भी प्रकार का खिलवाड़ करते हुए पाया जाएगा। अभी के लिए फिलहाल इतना ही काफी। बने रहिए हमारे साथ छोटी से बड़ी खबर जानने के लिए न्यूज़ 9 भारत पर। अब चाहूंगे इजाजत। नमस्कार।